आतंकी साजिशों का खुलासा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेलारी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा पीएम ने यहां भी कांग्रेस को बजरंग दल के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। इसके अलावा पीएम ने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया। रैली में फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र, पीएम ने कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म उस राज्य में आतंकी साजिशों का खुलासा करती है। मेहनती, प्रभावशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के लिए जाने जाने वाले राज्य केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है झूठे सर्वे कर रही है कांग्रेस। मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बीते गए चुनावों से ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे करवाकर अपनी वाहवाही करती है। यहां कर्नाटक में भी कांग्रेस सही कर रही थी, वे मतदाताओं को भटका रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र तुष्टीकरण के लिए है, यह सिर्फ प्रतिबंधों के बारे में है। कर्नाटक के लोग उनकी तुष्टीकरण की राजनीति देख रहे हैं। मैं बजरंग बली का नारा लगाता हूँ, वे मुझे नापसंद करते हैं। कांग्रेस ने देश की राजनीति भ्रष्ट की। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर अपने इकोसिस्टम के जरिए झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वह जनता को भ्रमित कर दें।